हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय वीडियोस ऑन इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 10th ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4, जिसका कि टाइटल है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो मैं इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। इन सभी आंसर्स को मैंने जरूरत के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज लिखा है और साथ ही साथ हर एक आंसर के की वर्ड्स को भी मैंने बोल्ड किया हुआ है। मेरे ऐसा करने से आपको आंसर को समझने और साथ ही एग्जाम्स में अपने आंसर्स को लिखने में काफी मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ साथ जहां जहां पर रिक्वायर्ड है वहां वहां पर मैंने आंसर्स को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करें। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि आखिर इस चैप्टर में हमको क्या बताया गया है। तो देखिए, इस चैप्टर में हमें बताया है कि ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से अफेक्ट किया है, ग्लोबलाइजेशन का हमको क्या फायदा हुआ है और क्या क्या ग्लोबलाइजेशन के इंडियन इकोनॉमी को नुकसान हुए हैं, ये सब बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। इसके साथ ही हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ते हैं कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यानी कि जो MNCs होती हैं वो किस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज में अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करती हैं। MNCs डेवलपिंग कंट्रीज में अपने बिजनेस को इसलिए इस्टेब्लिश करती हैं क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में काफ़ी चीप लेबर मिल जाती है और इसके अलावा और जो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं या जो और रिसोर्सेज हैं वो भी काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। ऐसा करने से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक कम कर लेते हैं, जिससे कि उनके प्रॉफिट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, उनको प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू है। इस ओवरव्यू के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और हम अपने इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। तो ग्लोबलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसके जरिए दुनिया के अलग अलग देश एक दूसरे के बहुत तेजी से करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और ऐसा करने में जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो एक बहुत बढ़िया रोल प्ले करती हैं, वो कंट्रीज को आपस में जोड़ती हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के, जैसे कि अगर आप बात करें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ये सब बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, दुनिया के बहुत सारे देशों में हैं। तो ये सब जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं ये ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को स्पीड अप करती हैं। ग्लोबलाइजेशन के जरिए अलग अलग देशों के लोग, इन्वेस्टमेंट्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के करीब आते हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजंस फॉर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, व्हाई डिड इट विश टू रिमूव दीज बैरियर्स। सवाल यह है कि भारत सरकार ने पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर क्यों बैरियर्स लगाए, क्यों रुकावटें लगाईं, और अब सरकार क्यों इन रुकावटों को हटाना चाहती है। तो इसका जवाब है दैट इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर विच रिक्वायर्ड ए होल सेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज टू बी स्टार्टेड। आज़ादी के तुरंत बाद भारत सरकार अपने यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहती थी और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने आप में नई नई इंडस्ट्रीज को डेवलप किया, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में। एग्जाम्पल के तौर पर स्टील इंडस्ट्रीज लगाई गई, भिलाई स्टील प्लांट लगाया गया, बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया। इसके साथ साथ
कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी सामने आए, जैसे कि टाटाज हैं, बिरलाज हैं, इन लोगों ने भी प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री लगाई। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है, जब भारत की जो इंडस्ट्री जो थी तब उस जमाने में, वो एक बहुत इन्फेंट स्टेज में थी, बहुत शुरुआती दौर था तब। और उस वक्त ये ज़रूरत थी कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बहुत पावरफुल जो MNCs हैं उनसे कंपटीशन से बचाएं। तो उस कंपटीशन से बचाने के लिए भारत सरकार ने अपने यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पर बैरियर्स लगा दिए। ये सवाल का जवाब है। अब दूसरी बात आती है कि सरकार इन बैरियर्स को क्यों हटाना चाहती है। तो देखिए, आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ द पॉलिसी इट वॉज रियलाइज्ड दैट द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज रीच्ड इट्स मैच्योरिटी। तो ये जो पॉलिसी हमारी बैरियर्स वाली थी, ये 1950 के आसपास लगाई गई जब भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उसके 40 ईयर्स बाद 1991 में जब गवर्नमेंट ने महसूस किया कि अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो मैच्योर हो चुका है, तो एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा अपने इकोनॉमी को गवर्नमेंट ने खोल दिया। ऐसा गवर्नमेंट ने इसलिए किया क्योंकि अब जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जब उसके सामने फॉरेन से कंपटीशन आएगा तो वो अपनी क्वालिटी को सुधारेंगे, अपने वर्किंग मेथड्स को सुधारेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे और साथ साथ अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को भी इम्प्रूव करेंगे। तो ऐसा सोच के गवर्नमेंट ने 1991 में अपने इकोनॉमी को बाहर के कंपटीशन के लिए खोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज हेल्प द कंपनीज। कि लेबर लॉज में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे कंपनीज को क्या फायदा होता है, किस तरह फायदा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हेल्प्स द कंपनीज टू एम्प्लॉय लेबर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। इससे जो कंपनी है वो सस्ते दर पर लेबर को हायर कर सकते हैं और साथ ही साथ जितनी ज़रूरत है उतने लेबर्स को हायर कर सकते हैं। जैसे कि अगर कैजुअल लेबर रखते हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर रखते हैं, तो उसके ये एडवांटेज होते हैं कि अगर हम कैजुअल लेबर या कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर रखते हैं तो उनको बहुत सारे फिक्स एक्सपेंडिचर उनके साथ में एसोसिएटेड नहीं होते हैं, जैसे कि उनको फिक्स वेजेस या फिक्स सैलरी नहीं देनी पड़ती है, उनको बहुत सारे अलाउंसेस और पर्क्स नहीं देने पड़ते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन ये सब जो एक्सपेंसेस हैं ये हमारी परमानेंट लेबर के साथ में तो एसोसिएटेड होते हैं, तो ये फ़ायदा हुआ कंपनीज़ को। इसके साथ साथ जब जब रिक्वायरमेंट नहीं है लेबर की तब तक हम लेबर को हटा सकते हैं, और जब रिक्वायरमेंट है लेबर की तो लेबर को कैजुअल या कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर रख सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी लेबर लॉस ने हमको काफ़ी हद तक अगर देते हैं तो फ़ायदा हो जाता है कंपनीज़ को। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन सेटअप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज़। कि किस तरह से जो MNCs हैं वो दूसरे देशों में अपने बिजनेस को लगाती हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। सो MNCs सेटअप ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज इन प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। तो MNCs उन जगहों पर जाकर के अपनी फैक्ट्रीज लगाती हैं जहाँ पे कि उनको चीप लेबर और चीप रिसोर्सेज मिल जाते हैं। अब देखिए, चीप लेबर का सबसे अच्छा एग्जांपल चाइना का है। चाइना में बहुत चीप लेबर अवेलेबल है, तो उसके कारण से जितनी भी दुनिया भर की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो जाके वहाँ पे फैक्ट्री लगाई हुई हैं, बाकी के रिसोर्सेज भी वहाँ पे काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो अगर हमको जो MNCs हैं अगर उनको चीप लेबर और चीप रिसोर्सेज मिल जाते हैं, तो ऐसा करने से उनके जो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमाइज़ हो जाती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज़ होने से उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी MNCs जो हैं वो जॉइंट वेंचर्स भी लगाती हैं। जॉइंट वेंचर्स लोकल कंपनी के साथ लगाए जाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा पहले मारुति का सुजुकी के साथ में एक जॉइंट वेंचर था, अब तो ख़त्म हो गया है। ऐसे हीरो होंडा का जॉइंट वेंचर था। कुछ जॉइंट वेंचर्स अभी भी चल रहे हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं एग्जांपल इंश्योरेंस सेक्टर का लेता हूँ तो आपने सुना होगा टाटा का AIG के साथ में है, ICICI कंपनी का प्रोडेंशियल कंपनी के साथ में है, ब्रिटिश कंपनी है। इसके साथ साथ जो अपनी बजाज एलियंस के साथ में एक जॉइंट वेंचर चला रखे हैं, तो ये सब जॉइंट वेंचर चलते हैं। इसके अलावा MNCs कैन प्रोवाइड लोकल कंपनी इधर मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। दिस वे बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप्स विद द लोकल कंपनीज और बाय यूजिंग देम फॉर सप्लाइज और बाइंग देम, द MNCs कैन एग्जर्ट स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्शन एट द कंट्रीज।
Fifth question is, why do developed countries want developing countries to liberalize their trade and investment? What do you think developing countries demand in return? कि जो developed countries हैं वो developing countries से ये क्यों चाहते हैं कि वो अपने यहाँ पे ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज करें, खोल दें, विदेशों से इन्वेस्टमेंट आने दें? और अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ ऐसा करती हैं तो वो बदले में डेवलप्ड कंट्रीज से क्या मांगें ताकि दोनों तरफ को फ़ायदा हो जाए? सो इसका जवाब है, द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ऑफ द डेवलप्ड नेशंस कैन एस्टेब्लिश देयर बिजनेस यूनिट्स इन लेस एक्सपेंसिव डेवलपिंग कंट्रीज। दिस वे दे कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर एंड लैंड कॉस्ट आर मच लोअर इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पे लेबर सस्ता होता है, बाकी के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सस्ते होते हैं, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने का भी वहाँ पे काफ़ी एडवांटेज, काफ़ी मौका मिल जाता है। लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो इसके बदले में क्या मांगें? तो सबसे पहले दे शुड आस्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स अगेंस्ट द कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स। तो सबसे पहले डेवलपिंग नेशन को ये मांगना चाहिए कि हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो विदेशों से आने वाले इम्पोर्ट्स हैं वो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को ही ख़राब कर दें, उनकी ही बिज़नेस को बंद कर दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। दूसरे, जो डेवलपिंग नेशन की गवर्नमेंट्स हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऊपर कुछ चार्जेस लगाएं, फीस लगाएं कि अगर आपको हमारे देश में अपनी फैक्ट्री लगानी है या बिज़नेस करना है तो आपको हमें कुछ फ़ीस देनी पड़ेगी या फिर आपको अपने प्रॉफिट में से हमको कुछ शेयर देना पड़ेगा, ऐसी शर्त लगाई जा सकती है। इसके अलावा देयर शुड बी फेयर रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स इम्पोज्ड बाय द डेवलप्ड नेशंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडस्ट्रीज। जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो अपने यहाँ जो ट्रेड बैरियर्स लगा लेती हैं, ट्रेड बैरियर्स का मतलब है कि कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी इम्पोर्ट्स पर या फिर कोटा फिक्स कर दिए कि हम किसी देश से कितना सामान मंगाएंगे, ज़्यादा सामान नहीं मंगवाएंगे, या फिर टैरिफ्स लगा दिए। तो ये ट्रेड बैरियर्स होते हैं, तो इन ट्रेड बैरियर्स को डेवलप्ड नेशंस ख़त्म करें ताकि डेवलपिंग नेशन भी अपना सामान डेवलप्ड नेशंस में बेच पाएं। ये सवाल था हमारा फिफ्थ। अब हम सिक्स क्वेश्चन पर आते हैं। सिक्स क्वेश्चन है फ्रेंड, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका बराबरी का फ़ायदा नहीं हुआ है, कहीं फ़ायदा हुआ है कहीं नुकसान हुआ है, इसको ज़रा समझाएं। तो देखिए कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट भारत पे अगर हम देखते हैं तो कुल मिलाकर के भारत को थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है भारत को। कैसे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोबलाइजेशन हैज़ बेनिफिटेड वेल ऑफ अर्बन कंज्यूमर्स। जो अर्बन कंज्यूमर्स हैं जिनके पास पैसा है, अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, सैलरीड पीपल हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अब ब्रांडेड माल्स खरीद सकते हैं। भले ही महंगा होता है लेकिन अब उनको अपने सामान को खरीदने के लिए ज़्यादा चॉइस मिल जाती है, बेटर क्वालिटी के सामान उनको मिल जाते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट्स खरीदें चाहे वो कोई सर्विसेज खरीदें। तो जो वेल ऑफ कंज्यूमर्स हैं उनको तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनके लिए इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, उनका काफ़ी हाई प्राइस है, तो उनको कोई फ़ायदा इसका नहीं हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, MNCs have invested more in the businesses that have a large number of affluent buyers such as mobile phones, automobiles, electronics and banking in urban areas. Less profitable business have been ignored. जो MNCs हैं वो वहाँ पैसा लगाती हैं जहाँ पे अमीर खरीदार होते हैं, affluent buyers होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स बेचती हैं, गाड़ियाँ बेचती हैं, बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बेचती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचती हैं, ये अर्बन एरियाज़ में बेचती हैं। लेकिन ऐसे बिजनेस जिसमें कि प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज अपना धंधा नहीं करती हैं। साथ के साथ कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, लोकल कंपनीज दैट सप्लाई रॉ मटेरियल टू MNCs हैव प्रॉस्पर्ड। जो ऐसी कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज जो कि MNCs को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं या उनके लिए आउटसोर्सिंग का काम करती हैं, उनको काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। प्लस मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आने से, दोनों ही सेक्टर्स में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, नई नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, तो इससे हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए ये बहुत घाटे का सौदा नहीं रहा है। सेवन क्वेश्चन इज, हाउ हैज़ लिबरलाइजेशन
ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, कि किस प्रकार से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का लिबरलाइजेशन करने से ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो तेजी आई है उसमें. विद द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजंस फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. सबसे पहला फ़ायदा तो देखिए क्या हुआ है लिबरलाइजेशन का, कि जो बिजनेस हैं अब उनको बहुत छूट मिल गई है, गवर्नमेंट उनके ऊपर बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस लगाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बिजनेसमैन हैं अब वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं, उनको क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, किस मार्केट में से इंपोर्ट लाना है, किस मार्केट में एक्सपोर्ट करना है, तो ये सब फैसले वो लेने के लिए फ्री हैं. तो जब ऐसा हो गया है तो अब उनको अपने बिजनेस को तेज़ी के साथ बढ़ाने में मदद मिलती है, ये लिबरलाइजेशन का फ़ायदा हुआ है. एट्थ क्वेश्चन इज हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अक्रॉस कंट्रीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल अदर देन दोज़ गिवन हियर. कि फॉरेन ट्रेड से जो दुनिया के अलग अलग देशों के मार्केट हैं वो एक दूसरे के कैसे करीब आए हैं, इसका हमको समझाना है और एग्जाम्पल भी देना है जो कि आपकी किताब से अलग होना चाहिए. तो देखिए फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक मार्केट. फॉरेन ट्रेड से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने डोमेस्टिक मार्केट तक ही सीमित नहीं रह जाते, वो फॉरेन मार्केट्स में जाकर के भी अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, उनका बिजनेस बढ़ता है, मार्केट बढ़ता है. साथ ही साथ जो बायर्स हैं उनकी भी चॉइस बढ़ जाती है एंड दे कैन बाय बियॉन्ड देयर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड दे कैन बाय इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि आजकल हम हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं हम. विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू द अदर, प्राइसेस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स टेंड टू बिकम इक्वल इन ऑल मार्केट्स. इसके साथ साथ क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, एक सी होती हैं सभी मार्केट्स में, तो इसलिए उनके जो प्राइसेस हैं वो भी करीब करीब बराबर होते हैं. तो आप किसी भी बाज़ार से सामान मंगवा सकते हैं, करीब करीब सेम कीमत पर उसको आप खरीद सकते हैं. प्रोड्यूसर्स ऑफ टू कंट्रीज कैन क्लोजली कम्पीट विद ईच अदर इन स्पाइट ऑफ बींग थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे. प्रोड्यूसर्स भी आपस में अच्छा कंपटीशन कर सकते हैं. इसका एग्जांपल मैंने दो कंपनीज हैं, चॉकलेट कंपनीज कैडबरीज और नेस्ले के द्वारा दिया है. हम देख सकते हैं कि दोनों कंपनीज ने भारत के मार्केट में काफ़ी चॉकलेट्स अपनी रखी हुई हैं, जिससे कि दोनों कंपनीज को भी फ़ायदा होता है और जो इंडियन बायर्स हैं पर्टिकुलरली जो यंगस्टर्स हैं उनको काफ़ी अच्छी वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स मिल जाती है. जब हम छोटे बच्चे थे तो हमको तो चॉकलेट की बहुत कम वैरायटी मिलती थी, बट नाउडेज बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट्स अवेलेबल हैं. तो ये मैंने एग्जांपल दिया है, आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं. क्वेश्चन 9 इज ग्लोबलाइजेशन विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, कैन यू इमेजिन व्हाट द वर्ल्ड वुड बी लाइक 20 इयर्स फ्रॉम नाउ. कि ग्लोबलाइजेशन तो बढ़ता रहेगा, आगे चलेगा, तो आप इस सूरत में अगले 20 सालों में क्या तस्वीर निकलेगी इसके बारे में क्या इमेजिन कर सकते हैं, तो हमारी क्या इमेजिनेशन है. नंबर वन, द मार्केट विल बिकम मोर ओपन एंड फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन विल स्ट्रेंथन फर्दर. टू, देयर विल बी मोर रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स रिजल्टिंग इन टू फॉल ऑफ प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट गुड्स. ट्रेड बैरियर्स हटेंगे, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कोटा कम, जो कम कम कोटा कर रखे हैं तो ज़्यादा सामान मंगवाएंगे, टैरिफ्स को कम कर देंगे, कस्टम ड्यूटीज़ को कम कर दिया जाएगा, तो इससे जो इम्पोर्टेड सामान है वो ख़रीदने में आसानी हो जाएगी क्योंकि उसका प्राइस कम हो जाएगा. इसके साथ साथ बायलेटरल ट्रेड डील्स विद इमर्जिंग मार्केट्स इन एशिया साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका विल एक्सपेंड. आजकल हम देखते हैं कि कुछ मार्केट्स काफ़ी इमर्ज कर रहे हैं, जैसे कि एशिया में इंडिया और चाइना का मार्केट है, रशिया भी एशिया कॉन्टिनेंट में ही उसका काफ़ी बड़ा भाग आता है, इसके अलावा साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका है. तो ये मार्केट्स हैं जो कि आजकल के इमर्जिंग मार्केट्स हैं, तो इनके जो देश हैं वो आपस में बायलैटरल यानी कि द्विपक्षीय समझौते करने लगेंगे. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मजबूत होगी और ख़ास तौर से इसका जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, यानी कि जो देशों के बीच में आपसी झगड़े होते हैं, जो उनके बीच में टैरिफ वॉर्स होती हैं, यानी कि बिजनेस किससे संबंधित जो वॉर्स होती हैं, तो उसको सुलझाने में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करने लग जाएगा.
जिससे कि जो मल्टीलेटरल ट्रेड डील्स हैं, यानी कि अलग अलग विभिन्न देश जो हैं वो जो आपस में ट्रेड डील्स करते हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा और कुल मिलाकर के जो मार्केट है वो एक्सपेंड करेगा, बिजनेस बढ़ेगा। एज द टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन विल एडवांस, मार्केट्स विल बी बिकमिंग मोर इंटीग्रेटेड। अब देखिए टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर देखें, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर देखें, तो हम आजकल इसके ज़रिए कितना सारा सामान खरीद सकते हैं। जितने भी हमारे ऑनलाइन परचेजिंग आजकल हो रही हैं, हम चाहे फ्लिपकार्ट से मंगवाएं, चाहे अमेजन से मंगवाते हैं, तो हम दुनिया भर से कहीं से भी सामान यहाँ मंगवा सकते हैं अपने देश में। तो ये किस वजह से संभव हुआ है, टेक्नोलॉजी की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। इसके रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि द इकोनॉमी विच वॉज रन बाई द स्टेट प्रीवियसली इज लार्जली ड्रिवन बाई मार्केट डायनेमिक्स नाउ, कि जो इकोनॉमी है वो पहले स्टेट रन करता था, यानी कि जो सरकार है वो इकोनॉमी को कंट्रोल करती थी, लेकिन अब इकोनॉमी को सरकार नहीं बल्कि मार्केट डायनेमिक्स गवर्न करती है। मार्केट डायनेमिक्स का मतलब है कि द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्रिवेल। मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है उस चीज़ की सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी, और डिमांड ज़्यादा होने पर हमने पढ़ते हैं कि वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। तो मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस हैं वो सब जो हैं वो डिसाइड करेंगी कि इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी। जब ऐसा होगा तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा, मार्केट्स खुलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, ऐसा हम एनविसेज करते हैं अगले आने वाले 20 सालों के लिए। नाउ क्वेश्चन 10, सपोज यू फाइंड टू पीपल आर्ग्यूइंग, वन इज सेइंग ग्लोबलाइजेशन हैज हर्ट द कंट्रीज डेवलपमेंट, द अदर इज टेलिंग ग्लोबलाइजेशन इज हेल्पिंग इंडिया डेवलप, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दीज आर्ग्यूमेंट्स। दो लोग आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एक कहता है कि ग्लोबलाइजेशन का हमको फायदा हुआ है, दूसरा कहता है नहीं हुआ है, हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा? आंसर इज, वाइल द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज हेल्प इन कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन द क्लोजिंग ऑफ बिजनेस यूनिट्स ऑफ स्मॉलर मैन्युफैक्चरर्स। तो एक और तो जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के जरिए इंडियन इकोनॉमी डेवलप कर रही है, दूसरी तरफ जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान भी हुआ है। कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से नई नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, तो ये फ़ायदा भी हुआ है। आइए ज़रा स्पेसिफिकली इसके फ़ायदे नुकसान देख लेते हैं। अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है देर इज़ ए इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड में बढ़ोतरी हुई है, उसका वॉल्यूम बढ़ा है। इनफ्लो ऑफ फॉरेन प्राइवेट कैपिटल एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन ऑफ द इकोनॉमी। हमारे यहाँ फॉरेन प्राइवेट कैपिटल आई है, फॉरेन के लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी, फॉरेन कैपिटल भी हमारे पास में आई है, और इसके साथ साथ हमारे जो सामान हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी होगा, यानी कि भारत का सामान भी अब विदेशों में जाकर के बिकने लगा है। तीसरा फायदा ये हुआ है दैट द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ग्लोबलाइजेशन होने से हमारा टोटल आउटपुट बढ़ा है, नेशनल इनकम में बढ़ोतरी हुई है, GDP बढ़ी है, और एम्प्लॉयमेंट, जनरल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी हमारा बढ़ा है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हुए हैं। पहला नुकसान है, इट मे नॉट हेल्प इन अचीविंग द सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है कि लंबे समय तक हम विदेशी सामानों के बेसिस पर डेवलप नहीं कर सकते। हमें अगर अपनी ग्रोथ को सस्टेनेबल करना है, लंबे समय तक के लिए मेंटेन करना है, तो हमें सेल्फ डिपेंडेंसी चाहिए होगी, हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ें हिंदुस्तान में ही बनानी पड़ेंगी, तभी हमारी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होगी। दूसरा है, इट मे लीड टू वाइडनिंग ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज अमंग द वेरियस कंट्रीज एज वेल एज विद इन ए कंट्री। ग्लोबलाइजेशन होने से इनकम की इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं, इनकम में जो दूरियां हैं वो बढ़ी हैं, कुछ जो देश हैं वो ज़्यादा अमीर हो गए हैं और कुछ देश गरीब थे वो और गरीब हो गए हैं। इसके साथ ही एक ही देश के अंदर अमीरों और गरीबों के बीच में भी खाई बढ़ी है, अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब और गरीब हो रहे हैं। ये डिसएडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन के। नाउ फ्रेंड्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 एंड हेयर वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। मैं पढ़ता चला जाता हूँ, आप मेरे को फॉलो कीजिएगा। इंडियन बायर्स हैव ए ग्रेट चॉइस ऑफ गुड्स देन दे डिड टू डिकेड्स बैक। दिस इज
closely associated with the process of globalization. Markets in India are selling goods produced in many other countries. This means there is increasing trade with other countries. Moreover, the rising number of brands that we see in the markets might be produced by MNCs in India. MNCs are investing in India because of cheaper cost of production. While consumers have more choice in the market, the effect of rising demand and purchasing power has meant greater competition among the producers. So this was the answer to question number 11. Now we move to question 12. Question 12 में आपको कुछ जोड़े बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और इसके साथ में ABCD दिए हुए हैं. मैंने यहाँ पे सीधे सीधे जवाब लिख दिए हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनाया है. देखिए, पहला जोड़ा बनेगा MNC buy at cheap rates from small producers. इसका जो ऑप्शन, इसका जो जोड़ा है वो बी है, गारमेंट्स, फुटवेयर एंड स्पोर्ट्स आइटम्स. टू, कोटास एंड टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स आर यूज फॉर रेगुलेट ट्रेड. इसका जवाब है ट्रेड बैरियर्स. इंडियन कंपनीज हु हैव इन्वेस्टेड अब्रॉड, ये कंपनीज हैं टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनवैक्सी, और भी बहुत सारी हैं वैसे तो. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, ये कॉल सेंटर्स के जरिए हुआ है. सेवरल MNCs हैव इन्वेस्टेड इन सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन इंडिया फॉर प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं. फर्स्ट, द पास्ट टू डिकेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज सीन रैपिड मूवमेंट्स इन, तो तीन ऑप्शन हैं. इसका सही जवाब है बी, गुड्स, सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज. सेकेंड इज, द मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट्स बाय MNCs इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज टू, एंड द राइट आंसर इज बी, बाय एग्जिस्टिंग लोकल कंपनीज. एंड थर्ड इज, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशंस. किसकी लिविंग कंडीशन में, किसी की भी नहीं हुई है, नन ऑफ द अबव. सो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे. एंड दिस वे फ्रेंड्स, आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू विल फाइंड दिस आंसर्स सुटेबल फॉर योरसेल्फ. आपको इन आंसर्स को पढ़ के अपने एग्जाम्स में जवाब लिखने में, इस चैप्टर को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी. अगर आप इस चैप्टर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो से एसोसिएटेड जो वीडियो है उसमें इस चैप्टर की समरी को मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप उसको भी अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं. कीप वॉचिंग माई वीडियोस, गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर योर फ्यूचर. ऑल द बेस्ट.